सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इक्विटी वर्ल्ड। तो जैसा कि मैंने एक मेरी पहले वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने मेरे सारे टैंक्स का अपडेट दिया था, तो उसमें बताया था कि मेरे जो दोनों 4 फीट के टैंक है उसके अंदर से मैंने ऑस्कर फिशेज हटा दी क्योंकि उनको जगह कम पड़ रही थी। तो एक 4 फीट के टैंक में मैंने आपको दिख रही होगी सिल्वर एरोन फिश ऐड करी थी, और एक के अंदर जो मेरे फ्लावर ऑन फिश थे उसको मैंने छोटे टैंक से बड़े टैंक में डाल दिया था। तो ये मेरी उस टाइम जब मैंने ऐड करी थी तब मेरे 7 इंचेस की थी, अभी इसका साइज अप्रोक्स 1 फिट हो चुका है। तो इसकी मतलब इतनी जल्दी ग्रोथ कैसे हुई है वो आपको बताने वाला हूँ, और मतलब आज इस वीडियो के अंदर इसका पूरा केयर गाइड आपको बताने वाला हूँ, टिप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको एरवान फिश के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ से क्या है ये फिश। तो हमारी ये जो एरवान फिश है फ्रेश वाटर फिश होती है, और ये नेटिव करती है हमारी एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे ये मिलती है मतलब नेचर के अंदर, और वैसे तो हम जो मंगाते हैं वो ब्रीड करी हुई फिश रहती है, मतलब जो ब्रीडर ब्रीड करते हैं वो फिश रहती है। और जो ये एरवान फिश होती है ये हमारी मॉन्स्टर फिश रहती है, प्रेडिएटर रहती है, मतलब हंट करके फूड को खाती है। जैसे नेचर में रहती है तो वहाँ पे ये जो इंसेक्ट वगैरह और जो छोटी फिशेज या फिर फ्रॉग वगैरह जो भी है, चूहे हो गए, उन सबको हंट करके ये खाती है। और आपने यूट्यूब पे बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मतलब लोग इनको स्नेक तक फीड करा देते हैं, नॉन वेनमस स्नेक रहते हैं वो, और जो चूहे रहते हैं वो, बहुत से ऐसे लाइव फूड इनको मतलब फीड कराते हैं लोग। तो इसलिए मतलब बहुत से लोग इसको रखना भी चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो आने वाली है कि कैसे आपको रखना है, कैसे कैसे इसका ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रेडेटर और मॉन्स्टर फिश रहती है, तो वाइल्ड में जो मेरे पास सिल्वर एरवाना है इसका वाइल्ड के अंदर जो साइज है वो 3 से 4 फीट तक हो जाता है, और एशियन एरवाना का 3 फीट तक रहता है। और हमारे टैंक में रखेंगे तो हमारा जो सिल्वर एरवाना है ये 2.5 से 3 फीट तक बढ़ती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। और बाकी इसको साइज तो आप अच्छा दो टैंक का, वो उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है इसकी, और साइज भी इसका अच्छा खासा बढ़ेगा उस टैंक में। अब जैसे कि मैंने बताया मॉन्स्टर फिश है तो इसको फीड कैसे प्रोवाइड कराना, तो मैं तो इसको जो हमारे हिकारी का स्टिक आती है, हाई प्रोटीन स्टिक आती है, वो फीड कराता हूँ। ये हमारे चिकलेट फिश या फिर एरवाना आप उनको फीड करा सकते हैं, और इसके अलावा फीड के अंदर आप इसको प्रॉन्स दे सकते हैं, मील वॉर्म्स दे सकते हैं, और बाकी जो हिकार का मैंने स्टिक बताया वो दे सकते हैं। बट मैं इसको ओनली ऑन हिकारी का जो स्टिक है वही प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि मेरे एक बार मैंने दूसरा फूड प्रोवाइड कराया था तो इसने 2 से 3 दिन तक स्टिक लेना भी, स्टिक भी नहीं खा रही थी, 2 से 3 दिन बाद स्टिक खाई थी। अब जैसे इसके फिल्ट्रेशन की बात करता हूँ, तो ये मॉन्स्टर फिश है तो वेस्ट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो उसके लिए आपको जो फिल्ट्रेशन है, जैसे मेरा बता देता हूँ पहले फिल्ट्रेशन। तो मैंने इसके अंदर टॉप फिल्टर लगा रखा है एक, और एक स्पंज फिल्टर आपको दिख रहा होगा, ये 2 फिल्टर लगा रखे हैं। तो आप इसमें कैनिस्टर फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर पूरा बायोमीडिया और वो सब डाल रखा है, तो जितना अच्छा फिल्ट्रेशन देंगे फिश की हेल्थ भी उतनी अच्छी रहेगी, वाटर क्वालिटी भी उतनी अच्छी रहेगी। और आपको इस पे दिख रहा होगा मैंने नेट लगा रखी है एल्युमिनियम की, तो ये नेट क्यों लगा रखी है वो आपको बताता हूँ। पहले इसका ऊपर से मैं कैनोपी लगा देता हूँ। तो नेट आपको लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसको जो वाटर मंकी के नाम से भी जाना जाता है, तो वाटर मंकी ऐसा नहीं कि ये मतलब जैसे बनाना वनाना खाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो वाटर मंकी इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेचर के अंदर ये फिश क्या है, मतलब पानी के बाहर जंप करके जो भी इंसेक्ट वगैरह रहता है उनको हंट करके खाती है, तो इनके ये मतलब नेचर में रहता है जंप करना। तो अगर अपन इसमें मैश नहीं लगाएंगे, नेट नहीं लगाएंगे एल्यूमिनियम या किसी भी हैवी मेटल की, तो क्या होगा ये फिश जो एक्वेरियम से जंप कर जाती है बाहर, और बहुत से लोगों का ऐसा देखा गया है कि जंप करके बाहर मतलब आ जाती है टैंक के बाहर और ध्यान नहीं दिया जाता तो वो मतलब मर भी जाती है। तो इसलिए अगर आप एरवान फिश रख रहे हैं तो अपने टैंक को ऊपर से पूरा कवर करिए, और जो आप नेट लगा रहे हैं वो हैवी नेट होनी चाहिए, वरना आप हल्की नेट लगाएंगे तो वो उसको नेट को हटा के बाहर आ जाएगी। अब बात करते हैं इसका टेम्परेचर, तो आप देख सकते हैं जो मेरा 30 डिग्री और 30.6 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसके लिए जो सूटेबल टेम्परेचर रहता है वो 26 से लेके 32, मतलब 30 या 32 डिग्री तक ये मतलब आराम से रहती है उस टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि एरवाना फिश वार्म वाटर के अंदर रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो इसका टेम्परेचर 26 से लेके 30 डिग्री तक के अंदर मतलब मेंटेन करके रखना चाहिए। अब जो हम इसका बात करते हैं वो जो हमारे टाइप्स होते हैं, तो हमारे जो एरवान फिश के टाइप्स होते हैं वो सिल्वर एरवाना होती है, एशियन एरवाना होती है। अब एशियन एरवाना के अंदर बहुत सारे टाइप के रहते हैं, मतलब इतनी वैरायटी है एरवान फिश के अंदर कि आपके पास बहुत सी चॉइस रहती है एरवान फिश में। जैसे एशियन एरवाना में हमारे पास RTG है, गोल्डन एरवाना है, रेड एरवाना, ग्रीन एरवाना, एल्बिनो एरवाना, सिल्वर एरवाना, पर्ल एरवाना, और बहुत सारी वैरायटीज आपको मिल जाएगी एरवान फिशेज के अंदर। और इनके जो प्राइस रेंज है वो इनके जो वैरायटीज रहती है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, मतलब बहुत महंगी भी मिल जाएगी जो गोल्डन एरवान रहती है, और जो 24 कैरेट गोल्ड एरवान रहती है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। अब जो मैं इनके टैंक मेट्स रहते हैं उनके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूँगा फ्यूचर के अंदर, तो उसके लिए आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर से बताना, और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करने के बोलना, सपोर्ट करने के बोलना। तो अभी की वीडियो हमारी यहीं तक थी, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।